अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। शैम्पू में बस ये चीज मिला लो, बाल किसी एक्टर से कम नहीं लगेंगे। इसे बनाने के लिए पहली चीज हमें लेनी है चाय पत्ती। चाय पत्ती आप घर वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय बनाने के साथ साथ रूखे और बेजान बालों के लिए चाय पत्ती बहुत फायदेमंद है। इसमें कैफीन पाया जाता है जो बालों की जड़ों से इन्फेक्शन दूर करता है और जड़ों में जाकर उनके झड़ने की समस्या को ठीक करता है। अब आप एक खाली पैन ले और उसमें 2 गिलास पानी डाल दे। इसके बाद इसमें 1.5 चम्मच चाय पत्ती मिला दे। अब इस पानी को मीडियम आंच पर गर्म करें जिससे चाय पत्ती का अर्क इस पानी में आ जाएगा। इसे छान ले और इसका पानी निकाल ले। अब आपको मिलाना है एक शैम्पू। जो भी शैम्पू आप अपने घर पर बालों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही डाल दे। फिर इसमें प्याज का रस मिलाएं और इसे 1 चम्मच डाले। अब आप इसे फेंट ले और चम्मच से खूब अच्छे से मिक्स करें जिससे इसमें झाग बनेगी। इसे अपनी बालों की जड़ों में लगाएं। बालों की जड़ों से लेकर नीचे तक पूरे बालों पर अच्छे से लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। लड़का या लड़की कोई भी इसे लगा सकता है और आपको 5 मिनट तक लगाना है। उसके बाद ताजे पानी से बालों को धो लें और पहली बार में ही पहली वॉश से ही आपके बालों में एक नई शाइन आएगी।